वैक्सीन पहले देश या विदेश, स्वागत आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। कोरोना के टीके दूसरे देशों में दिए जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि देश के सभी लोगों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है और हम कोरोना की वैक्सीन दूसरे देशों को दान कर रहे हैं या फिर बेच रहे हैं। कोर्ट ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को निर्देश दिया कि वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके को लेकर अपनी निर्माण क्षमता के बारे में जानकारी थी। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने कहा कि देश के हर नागरिक तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कोरोना वैक्सीन बनाने की क्षमता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इसका पूरा फायदा नहीं उठा रहे हैं। इस मामले में जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए। कोर्ट ने इस मौके पर केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा कि वो वैक्सीन लगवाने के लिए किए गए वर्गीकरण के पीछे का भी कारण बताएं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को चरणबद्ध तरीके से चला रही है। इसके तहत पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया गया, जबकि दूसरे चरण में बुजुर्गों का टीकाकरण किया जा रहा है। बुजुर्गों के साथ ही दूसरे चरण में 45 साल से 60 साल की आयु वर्ग के उन लोगों को टीका दिया जा रहा है जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने की है सख्त टिप्पणी, कहा है कि हमारे देश में अगर अभी वैक्सीन की कमी है तो फिर हम दूसरे देशों को ये क्यों दान दे रहे हैं या फिर हम क्यों बेच रहे हैं। उन्होंने वर्गीकरण को लेकर भी सवाल उठाया और बताया और पूछा कि असल में इस वर्गीकरण के पीछे का क्या स्ट्रेटजी है, क्या मैकेनिज्म है, समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ दीपक वोरा जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत हैं, साथ ही साथ राहुल भार्गव जुड़ रहे हैं, सीनियर डॉक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले दीपक वोरा, आप ही के पास आ रहा चाहूंगा। दीपक जी, असल में जो कुछ कोर्ट ने कहा इसके पीछे का निहितार्थ क्या है सर, इसके पीछे का क्या? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में शरीक किया, आपसे सीखने का मौका दिया है और साथ में जो डॉक्टर साहब आ रहे हैं। कोर्ट की हम बहुत इज्जत करते हैं, जो कुछ उन्होंने कहा है हम उसे स्वीकार करते हैं। मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाजत दें एक दो मिनट अगर मेरे पास आए, तो प्री वैक्सीन डेज में मैं जाना चाहता हूं, जब कंप्लीट लॉकडाउन एनफोर्स हुआ था कई देशों में, उसके बाद एक पार्शियल ईजिंग हुआ, फिर सरकार का जो काम था उसमें बहुत बाधा आई, हम लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, बहुत बहुत तरह की समस्याएं आई। आपको याद है कि भारत में जो हमारी विदेश मंत्रालय है, 60,000 लोग थे यहाँ पर फंसे हुए 70 देशों से, उन्हें हमने वापस किया और फिर 140 देशों से बेटियों को लाने का हमने प्रबंध किया। पिछले साल हम लोग अक्सर ये भूल जाते हैं सर कि हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, रेमडेसिविर, पैरासिटामोल, मास्क, ग्लव्स, जिसने मांगा हमने दिया, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए और हमारा जो ये ग्लोबल रिस्पांस था ये हमने बहुत ध्यान से किया था आफ्टर स्टडी ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियो डोमेस्टिकली कि हमें कितनी जरूरत होगी, क्या करेंगे एटसेट्रा। सर, देयर इज नेवर अ कॉन्फ्लिक्ट, ये मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि इंडिया टॉप प्रायोरिटी, इस सरकार की टॉप प्रायोरिटी भारत है और उसके बाद आती है आपकी विदेश नीति। रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स मांगी थी कुवैत ने, सेशल्स ने, कोमोरोस ने, हमने उनको वहां भेजी। अब वैक्सीन सर, संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल सेक्रेटरी ने क्या कहा है सर, मैं आपको कोट कर रहा हूँ, इंडियाज वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी इज द बेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड टू फाइट अगेंस्ट द वायरस। और उन्होंने धन्यवाद किया है भारत का कि 2,00,000 डोजेस हमने यूएन पीस कीपर्स को दिया। लोग इसको कहते हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी, वैक्सीन डिप्लोमेसी नहीं है सर, इंडिया इज परफॉर्मिंग इट्स रोल। आपको याद है सर, आपने शायद नाम सुना होगा किसी का, एक बहुत पुराने बुद्धिजीवी थी 2400 साल पहले, उनका नाम था चाणक्य और उन्होंने ये कहा था कि जब बीमारी होती है केवल आपका दोस्त आपका साथ देता है। दिस इज इंडियाज फिलोसफी। अब हाईकोर्ट ने जो कहा है उन्होंने ये कीजिए, उन्होंने ये पूछा है कि आपकी कैपेसिटी क्या है वो हमें बता दीजिए ताकि हम संतुष्ट हो जाएं कि आप डोमेस्टिकली भी मीट कर सकेंगे डिमांड को और आप सप्लाई भी कर पाएंगे दूसरे देशों। सर, कल अब से 24 घंटे के अंदर मैं खुद जा रहा हूं, आई एम पुशिंग 70, मैं 70 साल का होने जा रहा हूं, मुझे कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, अब मैं जा रहा हूं इन ऑर्डर टू गेट माई सेल्फ इनोक्यूलेटेड। और हंसी के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, हमारे एक चीनी दोस्त ने कहा कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, विदेश, वो सभी कुछ एक ही आदमी है, वहां पर पिंग पोंग हर चीज वही है, उसने भी भारत की वैक्सीन ली है, उसने हंसी मजाक में कहा। अभी तक हम 70,00,000 डोज दे चुके हैं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट,
कुछ बेचे हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज ह्यूज। और सर ये वैक्सीन जब खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका अंत अब आ रहा है हमारे पास सर, आज के 4-5 साल में, इतना मैं बता देता हूँ सर कि मैं बहुत से देशों में मैंने काम किया, 6 देशों में आपका राजदूत था, आज के 5 साल के बाद अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी होगी। हाउ डिड इंडिया सेव द वर्ल्ड, मैं आगे कुछ नहीं कह रहा। ठीक है सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज किए हैं, लेकिन डॉक्टर भार्गव असल में कोर्ट का ये कहना कि पहले आप अपने देश में टीकाकरण पूरी तरीके से करिए फिर दान करिए, इस बात का आभास कोर्ट को क्यों हुआ? क्या सर आपको ग्राउंड जीरो पे इस तरह की कमी देखने को मिलती है? आप तो रोज डील करते हैं, क्या इस तरह की कमी है वैक्सीन को लेकर अभी हमारे देश में? देखिए आप कोर्ट पालन करते हैं और कोर्ट की इज्जत करते हैं, उसके खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते, बट तथ्य समझना जरूरी है। देश में सीरम इंस्टीट्यूट 5,000 वैक्सीन पर मिनट बना सकता है और बना रहा है। बिल मिलिंडा गेट से $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। एस्ट्राजेनेका की जो दवाई है, जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग है और मैन्युफैक्चरिंग का हब रहा है देश। अब ये बात समझना जरूरी है, देश के 100 लगनी है पर वो चरणबद्ध तरीके से लगनी है। फेज वन सरकार ने जो हेल्थ केयर वर्कर को लगाया, क्या किसी हेल्थ केयर वर्कर को कमी पड़ी? क्या दूसरी वैक्सीन बना दूसरी डोज तक आते आते किसी भी हेल्थ केयर वर्कर को ये बताया गया कि वैक्सीन खत्म हो गई? जब दूसरा चरण चालू हुआ, आज की तारीख में तीसरे नंबर पे भी देश है जो सबसे ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन कर रहा है यूके और यूएस के बाद। अभी तक 8 लाख लोग 2-4 दिन के अंदर किसी भी फूड वैक्सीन की कमी नहीं है। कोवैक्सीन का 81% सक्सेस रेट आ चुका है, तो कोवैक्सीन 100 मिलियन डोजेस की कैपेसिटी बाय द एंड ऑफ द ईयर बनाने के लिए तैयार है। तो कोर्ट का संज्ञान लेना, उनका चिंता ठीक है, जायज मानी जा सकती है, पर देश नया देश है, 70 साल में पहली बार विश्व में भारत का रुतबा बढ़ा है। और सिर्फ अपनी ही नहीं, हमारे को अपने देश के लोगों की चिंता नहीं है, चिंता पूरे विश्व की है। रुवांडा अफ्रीका में, रुवांडा में, नाइजीरिया में आज वैक्सीन पहुंच गई। वो वैक्सीन कहां से पहुंची? वो वैक्सीन हमारे देश से पहुंची। तो ये जो लोग डिप्लोमेसी की बात कहा कि हमारा दायित्व सिर्फ हमारा नहीं है, पूरे विश्व के लिए है और पूरे विश्व के लोगों की जान बचाने के लिए यही हमारी सोसाइटी है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा चरम है जिसको आज पूरा विश्व मान रहा है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि हिंदुस्तान की वैक्सीन सबसे बेहतर है। तो आप लोगों को ये बिल्कुल आश्वस्त रहना चाहिए कि ये नई सरकार है देश के लिए, नया इंडिया है जो अपने दोस्त देश की तो रक्षा करेगा ही करेगा, बट अपनी जिम्मेदारी से विश्व के प्रति पीछे नहीं हटेगा। हम वो स्वार्थी लोगों में से नहीं है जो वैक्सीन को अपने पास बैठा के रख ले और गरीब लोगों तक ना पहुंचाए। पूरा अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया किस पे निर्भर है? आज हम पे निर्भर है। अमरीका की 16 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो सर, पर देश में देश हिंदुस्तान ने जो अपना दायित्व पूरा किया है उसे ना यूरोप कर सकता ना अमेरिका कर सकता। ठीक है डॉक्टर राहुल, सबसे ज्यादा आवश्यक है समझना। और उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करी है तो मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि ठीक है कैपेसिटी पे भी बात करेंगे डॉक्टर भार्गव, कैपेसिटी पे बात करेंगे। तो ये बदलते हुए भारत की बदलती तस्वीर है जहां अपने ही दर्द को नहीं दूसरे के दर्द को भी समझा जाता है। लेकिन दीपक जी, आप तो कई देशों से बहुत नजदीकी से संबंध आप देख चुके हैं हमारे देश के, और दो देशों के बीच में आखिर जो संबंध स्थापित करने की कला है वो क्या है ऐसी स्थिति में जब एक महामारी पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रही है? सर आपको ये मालूम है, और डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच जो आपने कहा, आई एम एंटायरली इन अग्रीमेंट विद यू, थैंक यू, यू आर एन आउटस्टैंडिंग सन ऑफ इंडिया, थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि आपने बिल गेट्स का नाम सुना है ना सर, उन्होंने क्या बोला, इट इज ग्रेट टू सी इंडियाज लीडरशिप, मैं बिल्कुल कोट कर रहा हूँ, इन साइंटिफिक इनोवेशन एंड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एज द वर्ल्ड वर्क्स टू एंड द COVID-19 पैंडेमिक। थैंक यू इंडिया, ये बिल गेट्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ सर। फिर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संस्था जो है, उनके डायरेक्टर जनरल जिनको दुनिया भर में गाली पड़ती है, कहते हैं वो चीन के चमचे हैं, उन्होंने क्या कहा है, भारत की तारीफ कर रहे हैं कि भारत ने देखिए कितना डिसाइसिव एक्शन लिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिका का न्यूज़पेपर है सर, उसको मैं पढ़ता हूं, मेरे पास रोज आता है, उन्होंने कहा है पूरी दुनिया को भारत से
how to satisfy national priority as well as to meet international demand. मैं इतना ही कहूंगा सर कि जो लोग भारत की वैक्सीन ले रहे हैं, जो भारत की वैक्सीन को पसंद करते हैं, और मेरा ख्याल है कि किसी का जिसका दिमाग सही जगह पे, वो चीन की वैक्सीन नहीं लेगा, हमारी वैक्सीन लेगा. मैं उसको यही कहना चाहता हूँ कि एक इश्तेहार आया करता था इन द 1990s, डॉक्टर, यही है राइट चॉइस बेबी, बिकॉज दिस इज इंडिया, दिस इज इंडियाज कमिटमेंट. हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, भारत विश्व गुरु है सर. वी आर गोइंग टू लीड द वर्ल्ड इन दिस. चीन ने दुनिया को बर्बाद करने की कोशिश की है, हम लोग दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. चीन के आप भारत को डिफाइन करते हैं तो जाहिर सी बात है ऊर्जा से हम लोग भर जाते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं. लेकिन सर ये भी समझाते चलिए कि अपने घर की आग बुझाने से पहले क्या दूसरे के घर की आग बुझाना सही है? अपने घर के दर्द को पहले समझना होगा. हम दोनों आग को साथ साथ बुझा रहे हैं. मैं इतना सिर्फ एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया एक परिवार है, इसमें ये सवाल नहीं उठना चाहिए. हाईकोर्ट ने उठाया है, उन्होंने पूछा आपकी कैपेसिटी क्या है. हमारी कैपेसिटी है सर, वी कैन प्रिपेयर इनफ वैक्सीन फॉर द वर्ल्ड ट्वाइस ओवर. दो आप धरतियां ले आए, हम उनको बचा लेंगे सर, हमें इतनी. So with due respect to the Honorable High Court, जवाब उनको मिलेगा. और मेरा जो विचार है इस समय, डॉक्टर साहब, I don't know if you agree, they will be satisfied with the response. ठीक है, डॉक्टर राहुल आप कुछ कहना चाह रहे थे, please continue sir. सर हम इतनी संकुचित सोच के साथ नहीं चल सकते कि हम दूसरे को बचा रहे हैं. हम अपने आप को बचा रहे हैं. कहां सरकार ने कहा 43 साल के साथ जो जो क्राइटेरिया है फुलफिल हो रहे. 23 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन है. अगर मैं 35 साल का हूं, मैं डॉक्टर नहीं होता, तो मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे 0.1% चांस है कि मैं बीमार पड़ूंगा. आप कह रहे हैं मैं 135 करोड़ लोगों के लिए आज ही वैक्सीन बना के बैठ जाऊं और उसको सब्जेक्ट करके बैठ जाऊं, पूरे विश्व को नाचूं, ये कहां की सोच है? प्लीज ऐसी सोच को मत बढ़ावा दीजिए. जिसको जरूरत है, जो हाई रिस्क ग्रुप है, उसे वैक्सीन मिल रही है. भारत बायोटेक ने 125 करोड़ रुपए लगा के प्लांट को ऑगमेंट किया है वैक्सीनेशन के प्रोसेस को, कि ताकि साल के अंत तक वो 100 मिलियन डोजेस बनाने लगे. और ये वैक्सीन खत्म नहीं होगी, ये कितनी बार लगेगी? हर साल लगेगी. तो हर फैक्ट्री अपनी कैपेसिटी को ऑगमेंट कर रही है. अब हम देखिए जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है, जो एक डोज में यूज होने वाला है, उसका भी चीज, उसकी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी सीरम इंस्टीट्यूट को मिलने वाली है. एग्रीमेंट चल रहा है. जो स्पुतनिक ट्रायल है जिसकी वैक्सीनेशन की अभी अप्रूवल मिलेगा, जिसकी 100 मिलियन डोजेस रशिया ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरह इंडिया को दी है, वो भी अवेलेबल है. तो सर जिसको जरूरत है, ये पैरेलल चलेगी थी, जिसको जरूरत है उसको दी जाएगी. ब्राजील की इतनी बुरी हालत थी, कोवैक्सीन जाके आज उनके रेट को कम कर रही है. ये इतिहास में गवाह रहेगा कि भारत ने अपने साथ साथ पूरे विश्व के लोगों की जान बचाई है. और अगले 100 सालों तक पूरा विश्व देश के लिए कृतज्ञ होगा. ये देश की छवि है, ये न्यू इंडिया की छवि है, ये न्यू लीडरशिप की छवि है, जो देश के लोगों के साथ साथ पूरे विश्व को बचाने के लिए तत्पर है. अच्छा डॉक्टर राहुल, क्या पहले इस तरह की अश्योरिटी देश के सामने नहीं आनी चाहिए कि देखिए हमारा देश मुतमईन रहे, रिलैक्स रहे, संतुष्ट रहे कि हमें वैक्सीन मिल जाएगी, हर किसी को वैक्सीन मिल जाएगी, जिम्मेदारी तय कर ली जाए? क्या इस जिम्मेदारी का अभाव कोर्ट को महसूस हुआ? सर कोर्ट को महसूस इसलिए हुआ क्योंकि किसी याचिकाकर्ता ने PIL डाली. ये PIL उनके डर और उनके डरपोक होने की निशानी दिखाता है. सरकार ने पहली बोल रखा है कि 23 करोड़ लोगों को चरणबद्ध तरीके से जून तक वैक्सीन दी जाएगी. आप दिल्ली में जाके देखिए, देश में जाके देखिए, कौन सी ऐसी जगह है जहां वैक्सीनेशन की कमी मिल रही हो, जहां पे रोज लोग लाखों की तादाद लगाए में बिल्कुल सरलता से वैक्सीन लगा रहे हैं. अपने नए देश को देखा, ना कोई भीड़ है, ना भड़का है, ना कोई क्राउडिंग है, ना ओवर क्राउडिंग है. कई जगह हुई, सरकार ने उसको देखते हुए कोविड ऐप को आगे बढ़ाया. आरएस शर्मा जी ने NHA में ट्वीट किया कि किसी को भी कोविड वैक्सीन, कोविड ऐप में परेशानी है तो बताइए, हम उसको जल्द से जल्द दूर करेंगे. लोगों ने जो सजेशन दिया उसको दूर किया गया. सर ये नया इंडिया है जो अपने देश के बारे में सोचता है, अमीर से अमीर के बारे में और गरीब से गरीब के बारे में. कोई भी देश में पीछे नहीं रहेगा. जो इस देश का 135 करोड़ लोग सिटीजन है वो पीछे नहीं रहेंगे. देश उनके बारे में पहले सोचेगा, फिर विश्व के बारे में सोचेगा और साथ साथ सोचेगा. हमारे को इसको लड़ाई पहले और बाद की नहीं रखनी चाहिए.
साथ साथ ही रखनी चाहिए। ठीक है, लेकिन दीपक जी, दो देशों के बीच के संबंध किस तरीके से आगे बढ़ते हैं इस तरह की महामारी की स्थिति में? सर, सबसे बड़ी चीज स्वास्थ्य है। जब से मानव हमारी ह्यूमन काइंड का आविष्कार हुआ है, जब से हम होमो इरेक्टस बने, सीधे खड़े होने लगे, डॉक्टर साहब लग रही, ये सबसे बड़ी चुनौती रही है टू ह्यूमन सर्वाइवल, ये जो महामारी आई और इसका म्यूटेशन हो रहा है। और इसमें सर, आपके पड़ोसी मुल्क चीन ने अपनी शक्ति का उदाहरण दिया है दुनिया का नुकसान करने को, भारत ने अपने उदाहरण की शक्ति दिखाई है दुनिया का इलाज करने। सो देयरफॉर सर, आपके जिन देशों की आपने मदद की है, चाहे वो छोटा सा डोमिनिका हो, चाहे पापुआ न्यू गिनी हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, वहां के राष्ट्रपति को हम, जो पुराने उनके राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, क्या ट्वीट किया था, वी शैल नेवर फॉरगेट, इंडिया हैज बीन ग्रेट। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है कि आपने किसी का इलाज किया। सर, हम लोग तो डॉक्टर को भगवान मांगते हैं। मैं कल जा रहा हूं अपनी वैक्सीनेशन के लिए, वो भगवान है उस समय, बिकॉज मेरी जान बचा रहा। तो अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि वी डू इट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसमें किसी को कतई भी संदेह नहीं होना चाहिए। हमारे पास ताकत है, हमारे पास क्षमता है, हमारे पास इच्छा है दैट वी वांट टू हेल्प द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया सर ये साल को याद रखेगी, 2020 जब चीन ने दुनिया को बर्बाद किया, और 2021 जब भारत ने दुनिया को फिर से आबाद किया। This is the significance जो भारत कर रहा है वैक्सीन के साथ। लेकिन दीपक जी, अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पे अपनी छवि को सुदृढ़ करने के लिए क्या हम अपनों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? कोर्ट की चिंता तो यही बताती है सर। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे पास क्षमता है, वी डिड अ वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगर एकदम से सर्ज आए इन डिमांड तो क्या हमारे पास है सर। इसीलिए तो ये फैसला लिया गया कि दूसरे देशों को देंगे। ये जो आपकी सरकार है इस समय सर, इतना मैं कह देता हूं, आप सहमत हो मुझसे ना सहमत हो, आई बिलीव दिस प्राइम मिनिस्टर सर, जो कंपैशन उन्होंने दिखाया है, जो क्षमता दिखाई है दूसरों की पीड़ा समझने की पूरी दुनिया में, हिज विलिंगनेस टू हेल्प द वर्ल्ड, मुझे लगता है सर अगर नोबेल पीस प्राइज किसी देश को इस समय दिया जाए तो भारत को देना चाहिए। ठीक है सर, ये भावनाएं कद्र करने लायक है और तारीफ भी करने लायक है, लेकिन डॉक्टर भार्गव, क्या सीरम इंस्टीट्यूट हो, चाहे भारत बायोटेक हो, क्या इनको भी आगे बढ़कर अपनी क्षमता को देश के सामने बताना चाहिए, रखना चाहिए, जिससे कि कम से कम अगर देश में किसी एक शख्स के मन में भी इस तरह की शंका है तो वो शंका को दूर किया जा सके? सर बिल्कुल, आप एक फिर से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, भारत बायोटेक देश में निर्मित वैक्सीन का निर्मित और प्रोडक्शन दोनों कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका से प्री डिटरमाइंड तरीके से अपने देश के लिए कुछ वैक्सीन ली है और अपने प्लांट से पूरे विश्व को बनाने के लिए ली है, तो उनका एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट का टाई अप है। जो फॉर्मूला था एस्ट्राजेनेका का वो उनकी उपज है, सीरम इंस्टीट्यूट उसको प्रोड्यूस कर रहा है, और उसने सीरम इंस्टीट्यूट ने 5 करोड़ डोजेस ऑलरेडी जब पैक्ड हुआ तो देश के लिए रखी हुई थी। अगर आज हम कहें कि सीरम इंस्टीट्यूट 100 करोड़ वैक्सीन बनाता है और वो सारे की सारी देश के लिए रख ले, वो गलत सोच है। वो प्रोडक्शन हाउस है जो पूरे वर्ल्ड को देगा, उसका पैक है, ट्रेड है। आज भारत और डॉक्टर रेड्डीज ने स्पुतनिक के साथ, रशियन डेलीगेशन के साथ अगर पैक किया है, 1500 लोगों पे ट्रायल की है, तो ये पैक है कि 100 मिलियन 10 करोड़ डोजेस देश के लिए यूज होगी और उसके बाद जो बनेगी वो बाहर जाएगी। देखिए सर, देश में प्रोडक्शन हाउस है, देश हमारा जो है जीएमपी फैसिलिटीज के माध्यम से पूरे विश्व में पोलियो की वैक्सीन भी देता आया है, डीपीटी की वैक्सीन भी देता आया है। तो ये इस समय जो डर और भय है लोगों के दिमाग में कि हम सारी वैक्सीन बाहर भेज देंगे, ऐसा नहीं है, उसमें ट्रेड है और देश का हित दोनों है। तो प्लीज इसको दोनों को अलग अलग करके चलिए कि देश में सफिशियंट क्वांटिटी है, भारत बायोटेक अपने प्लांट को ऑगमेंट कर रहा है, और अगर सर्ज आता है तो हम वैक्सीन की सप्लाई को अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये नीड टू बेसिस पे है सर, हमसे भी ज्यादा गरीब लोग हैं, हमसे भी गरीब ज्यादा देश है जिनमें मृत्यु दर बहुत हाई है। क्या हमारे देश में मृत्यु दर हाई है? हमारे को वैक्सीन लग रही है चरणबद्ध तरीके से। अगर आज आप अपने स्टूडियो में बैठ के कहें कि मुझे वैक्सीन लगाइए, कमी हो जाएगी वैक्सीन की, क्या वो सही सोच है? हर का नंबर आएगा देश में चरणबद्ध तरीके से, गवर्नमेंट कमिटेड है, सबको वैक्सीन लगाएगी, पर जिसको अभी जरूरत है, हमारे बुजुर्गों को जिनको जरूरत है उनको लग रही है, तो हमें विश्वास रखना जरूरी है
PIL डालते हुए और हमारे को बाधा डालने की जगह हमें ये विश्वास रखना चाहिए अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप पे कि वो देश के लिए कमिटेड है, उन्होंने हमारे को कोरोना से निकाला है, वो वैक्सीनेशन भी लगाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे डोमेस्टिक फ्रंट पे भी और इंटरनेशनल फ्रंट पे भी। जी ठीक है, लेकिन दीपक जी कोर्ट ने असल में ये भी जानना चाहा कि आपने वर्गीकरण कैसे किया, आपने किस हिसाब से ये बोला कि अभी फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं उनको लगेगा, फिर 60 साल वालों को लगेगा, फिर 45 से 60 वालों को लगेगा। जो वर्गीकरण असल में दीपक जी किया गया, इस बारे में भी कोर्ट मुतमइन होना चाहता है, रिलैक्स होना चाहता है कि आखिर इस तरह के सेग्रीगेट के पीछे वजह क्या है। ये डॉक्टर साहब आपको बता पाएंगे, आपके पास विश्व के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको बता पाएंगे किस बेसिस पे हमने ये डिसीजन लिया है। लेकिन इतना मैं बता देता हूं, जो डिसीजन लिया गया है वो बड़ा सोच समझ के लिया, मैं भी इन्वॉल्व था इसके अंदर, बड़ा सोच समझ के डिसीजन लिया गया। पहले किनको कह रहे हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स, उसके बाद एक्सेट्रा। आई एम गोइंग टू बी 70, आई एम पुशिंग 70 ईयर्स, मेरी 70 साल की उम्र होने वाली है, अब मैं अपनी वैक्सीन के लिए जा रहा हूं विद टोटल कॉन्फिडेंस, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब मैं हाई रिस्क कैटेगरी में आता हूं बिकॉज ऑफ माई एज, तो मैं अपनी वैक्सीनेशन करा रहा हूं एंड आई मेड श्योर कि वो इंडियन वैक्सीन अब कहीं बाहर से नहीं आती है। इतना सिर्फ मैं कहना चाहता हूं सर कि जो हाईकोर्ट ने माननीय हाईकोर्ट ने मांगा, ऑफकोर्स उनको डिसीजन दिया जाएगा, बट ये जो निर्णय लिया गया है, डॉक्टर साहब विल सपोर्ट मी, कि किसको कौन सी कैटेगरी को पहले, उसके बाद किसको, उसके बाद ये साइंटिफिक इंक्वायरी के आधार पर है। ये नहीं कि किसी ने, एक ब्यूरोक्रेट ने बैठे बैठे दफ्तर में कहा भाई मेरा छोटा भाई 37 साल का, चलो 35 से 40 वालों को भी कर देते हैं, या मेरी माँ 60 साल की, चलो इस उम्र, नहीं सर ऐसा नहीं होता, ये साइंटिफिक एनालिसिस के आधार पर किया जाता है। प्लीज हैव फेथ सर, भरोसा करिए अपनी सरकार पर, भरोसा करिए अपने देश पर, भरोसा करिए। तो इसी भरोसे को, इसी विश्वास को जगाने की असल में एपीएन की कोशिश थी और इसी वजह से हमने ये प्रोग्राम भी किया। आखिर कोर्ट की चिंता के सबब को हमने समझने की कोशिश करी। समय मेरे पास इतना ही है, डॉक्टर भार्गव बहुत शुक्रिया आपका, दीपक जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला चर्चा में शामिल हुए। तो वैक्सीन भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में देश के पास है और सभी का नंबर आने पर वैक्सीन लगाई जाएगी और जो वर्गीकरण किया गया है उसके पीछे भी एक खास टेक्निक है। कोर्ट की चिंता अपनी जगह है, कोर्ट का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन देश का यह दावा है कि वैक्सीन की कमी फिलहाल देश के पास नहीं है। इस कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए एपीएन, नमस्कार।